काफी वायरल हो रही है 15 अगस्त को लेकर के पतंग उड़ाने पर पतंग का, वही मैं पतंग के मुद्दे पर आ रहा हूँ। अभी आप यहाँ लोकल है, आपका मीडिया चैनल के थ्रू भी ये मैं कहना चाहता हूँ कि पतंग के लिए सख्त इंस्ट्रक्शंस आई हुई है और उस पर हम मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। कई मुकदमे हमें कई लोगों को पकड़ा भी है, आगे भी हमारी कंटिन्यू इसके लिए ड्राइव है। सिविल में भी हमने पुलिस लगाई हुई है, पूरी कॉलोनी के अंदर पूरे जामिया नगर में सिविल में पब्लिक हमारी पुलिस घूम रही है, जो खुफिया तौर पे जानकारी हासिल करेगी कि कौन चाइनीज मांझा बेच रहा है। चाइनीज मांझा एक लाइफ थ्रेट है, लाइफ थ्रेट जीवन एकदम सामने सजग लाइफ थ्रेट है, जिससे कि आदमी अगर जरा सा भी लगता है तो एक मिनट में गर्दन कट जाती है। तो भाई तो जामिया नगर यहाँ पर जो आगे आगे हर काम में आगे आगे, जब से ये आए इलाके में सुकून और शांति आपको मिलेगी। और देख सकते हैं एसएचओ अभी यहाँ पर नफीस रोड का चक्कर लगा रहे हैं, नफीस रोड की पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, ये पेट्रोलिंग जो हो रही है ये किस पर्पज से हो रही है और क्या वजूहत है? देखो, पुलिस का बेसिक काम तो पेट्रोलिंग करना, इलाके के अंदर अमन शांति रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, और ये तो हम हमेशा करते ही रहते हैं। एनक्रोचमेंट को भी रिवॉल्व करते रहते हैं, कंटिन्यू हमारा ड्राइव आप देख ही रहे हैं, एक साल से चली रहा है। और साथ साथ में अभी 15 अगस्त है तो थोड़ा और हमने उसको इंटेंसीफाई कर दिया है कि 15 अगस्त के मद्देनजर कोई ऐसा गलत आदमी, सस्पिशियस आदमी ना आए, कोई सामान दुकान पर नहीं छोड़ के जाए, और किसी तरह की ऐसी अपने इलाके में यहाँ पर अप्रिय कोई घटना नहीं हो जिससे कि नाम बदनाम हो जामिया नगर का। सर ये खबर काफी वायरल हो रही है 15 अगस्त को लेकर के पतंग उड़ाने पर पतंग का, वही मैं पतंग के मुद्दे पर आ रहा हूँ। अभी आप यहाँ लोकल है, आपका मीडिया चैनल के थ्रू भी ये मैं कहना चाहता हूँ कि पतंग के लिए सख्त इंस्ट्रक्शन आई हुई है और उस पर हम मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। कई मुकदमे हमें कई लोगों को पकड़ा भी है, आगे भी हमारी कंटिन्यू इसके लिए ड्राइव है। सिविल में भी हमने पुलिस लगाई हुई है, पूरी कॉलोनी के अंदर पूरे जामिया नगर में सिविल में पब्लिक हमारी पुलिस घूम रही है, जो खुफिया तौर पे जानकारी हासिल करेगी कि कौन चाइनीज मांझा बेच रहा है। चाइनीज मांझा एक लाइफ थ्रेट है, लाइफ थ्रेट जीवन एकदम सामने सजग लाइफ थ्रेट है, जिससे कि आदमी अगर जरा सा भी लगता है तो एक मिनट में गर्दन कट जाती है। तो इसके लिए हमारी पुलिस प्रशासन सक्षम नजर आ रही है, बिल्कुल एकदम सक्षम है। हमने कई केस रजिस्टर किए, अभी एक 44 मांझा पकड़े थे अभी कुछ दिन पहले, उसके बाद हमने 24 जो है रिच चक्री उसकी पकड़ी, 44 पकड़ी एक बार, 24 एक बार, 7 एक बार, तो हम 3-4 केस ऐसे कर चुके हैं। अभी भी हमारी सीक्रेटली जो है पुलिस सिविल में लगी हुई है। सर एक सवाल और लेना चाहेंगे, जो एनकरेजमेंट ड्राइव जो हुआ है बटला हाउस में, ये 15 अगस्त को लेकर हुआ है या फिर हमेशा रहेगा? ये हमेशा रहेगा, एनक्रोचमेंट तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, बिल्कुल एनक्रोचमेंट को बिल्कुल जीरो टॉलरेंस। जामिया नगर आप एसएचओ है जामिया नगर थाने के, और जामिया नगर के वासियों को क्या कहना चाहेंगे आपकी तरफ से कोई मैसेज? भाई मैं तो यही कहना चाहता हूँ, देखो आप पहले भी जामिया नगर में था, कैसा एनक्रोचमेंट हुआ करता था आज से एक साल पहले जब मैं आता उससे पहले, और अभी भी जो एनक्रोचमेंट की क्या पोजिशन है आपकी, अगर इमरजेंसी में कोई गाड़ी कोई बीमार हो जाता है तो आपकी गाड़ी पहुंच नहीं सकती, एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती, तो उसको मद्देनजर हमने इस समस्या को समझा और लोकल आपके रेजिडेंट हैं यहाँ के आरडब्ल्यू के मेंबर हैं उनको साथ लेकर हमने ये अभियान चलाया और हम एक साल से इसको कंटिन्यू चला रहे हैं। उसका परिणाम आप भुगत रहे हैं कि देख रहे हैं कि आपकी गाड़ी नफीस रोड पे निकल जाती है, जामिया नगर में पूरी थ्रू आउट निकल जाती है और पब्लिक उसको अप्रिशिएट करती है। चलिए बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं जामिया नगर एसएचओ पेट्रोलिंग में निकले हैं और अभी इनसे बहुत सारी बातें हुई है 15 अगस्त को लेकर के, और पतंग उड़ाने वालों के लिए जो है एक सूचना भी दिया है कि मुकदमा हो सकता है, और जो भी पतंग उड़ा रहे हैं, और जैसा कि एसएचओ साहब ने बताया है कि मांझे का कौन से मांझे का इस्तेमाल करना है, कौन से मांझे का इस्तेमाल नहीं करना है, और उसको आप मद्देनजर रखते हुए पतंग उड़ाएं। और पतंग जो है उड़ाने का जो है 12 बजे 15 अगस्त के 12 बजे के बाद ही आप पतंग उड़ा सकते हैं, उससे पहले अगर पतंग उड़ाते हुए देखा गया तो आप पर मुकदमा हो सकता है। भारत न्यूज़ 91 में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।